देसी टीवी यूएसए से मैं हूं आपका होस्ट आतिफ अनवर और इस वक्त मैं मौजूद हूं लेक्यू पार्क में। पार्क में नहीं हूं मैं, पार्क में इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर जो है माशाल्लाह बहुत आवाम आई हुई है, बहुत क्राउड आया हुआ है और आज इतवार का दिन भी है तो आवाम जो है पिकनिक पर निकलती है, घूमने फिरने निकलती है, ज़रा माइंड भी फ्रेश होता है। तो आज जानते हैं आवाम से, ज़रा आज थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको थोड़ा सा बातों में उलझाएंगे, देखते हैं क्या वो आंसर दे पाते हैं हमारे सवालात का या नहीं। तो चलिए देखते हैं जी। हमें एक भाई यहाँ पे मिले हैं और यहाँ पर घूमने आए हैं, वो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कुछ सवालात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, अच्छा मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, पहले तो ये आपको नया साल जो है इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आपने कुछ ऐसा कोई ख़ास सबक जो आपने इस साल में गुजरे हुए साल में आपने सीखा हो कुछ? जी जी बहुत, खासकर मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह था तो 2022 में बस मुझे कुछ सबक सीखने को मिले और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लापरवाह नहीं हूँ, मेरी लापरवाही ख़त्म हो गई है। चलें अल्लाह करे कि आप आगे लापरवाही जो है वो छोड़ दें और अपने काम की फिक्र करने लग जाएं। अच्छा ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा जो है वो जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है? अंडे भी देता है और दूध भी देता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। आपने बोला कि लापरवाह है तो लापरवाही यहाँ पे तो अभी छोड़नी पड़ेगी, आपको दिमाग को जो है थोड़ा सा चलाएं। मुझे याद उसका नाम था लेकिन अब ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा चलें थोड़ा जैन को बोलें कि अभी लापरवाह नहीं होना, मैंने थोड़ा काम करें, थोड़ा जैन को चलाएं, अभी सोचें थोड़ा सा। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? वो उल्लू वगैरह तो नहीं? नहीं उल्लू नहीं। अच्छा नहीं याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है सर आपका? मेहताब अमर। अच्छा मेहताब अहमद भाई, बताइए ये जो साल गुजरा इसमें कोई आपने सबक हासिल किया हो? जी सबक हासिल किया कि मेहनत जो है वो कभी रायगा नहीं जाती। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अच्छा ये तो अभी 2022 में आपने सबक हासिल किया? जी सन 2022। अच्छा उससे पहले सबक नहीं था आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा 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 ये बताइएगा कि ये जो एक ऐसा कोई बताए जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है, ऐसा कौन सा जानदार? ऐसा जानदार दूध भी देता है अंडे भी देता है? जी दूध भी देता है और अंडे भी देता है। नहीं नहीं इमरान खान सिर्फ अंडे देता है। अच्छा इमरान खान अंडे देता है जी, और नवाज शरीफ साहब? वो दूध का उनका अपना कारोबार। अच्छा अच्छा जानदार की जहाँ तक बात है तो वो शायद मुझे मिला नहीं अभी तक। अच्छा अभी मिला नहीं है आपको? सांप ढूंढ रहे हैं आप मेरे? जी जी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ढूंढ रहे हैं, प्रोसेस में है। चलें फिर भी दिमाग कुछ अपना सोचें कौन सा हो सकता है ऐसा। नहीं नहीं सांप, सांप दूध और अंडे देता? नहीं नहीं सांप तो आस्तीन का सांप होता है ना, दूध भी पीता है और लेकिन वो अंडे नहीं देता, अंडे नहीं देता, बल्कि वो अंडे देता दूध नहीं देता। अच्छा जेन में है लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा अब्दुल्ला अपनी जेब से चेक करना, गूगल पे होता है। गूगल पे। अच्छा जी इनको भी बता के चलते हैं। पर हमें एक और जो है वो भाई मिले हैं, भाई बोले या भाई का बच्चा बोले जी आप बोले कुछ समझ नहीं आ रही है। इनसे पूछते हैं सवाल, इंसानों ने तो इसका जवाब नहीं दिया, इनसे पूछते हैं कि क्या ये जवाब दे सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा ऐसा कौन सा जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है, बताइएगा जवाब दे थोड़ा सा। अच्छा नहीं जी ये जवाब नहीं दे रहे, वो असल में थोड़ा सा अभी बिजी है जूस पीने में तो इनको अमेरिका से ज़्यादा बिजी नहीं करना चाहिए और आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रफाकत नवाज। रफाकत नवाज ये बताइएगा कि जो 2022 का एक साल जो गुजरा है इसमें कोई ऐसा कुछ खास लेसन हो या कोई ऐसा आपको मिला हो, तजुर्बा ऐसा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें हमसे? 2022 हमें बहुत कुछ सबक दे गया है, 2022 ये बता गया है कि हमें इत्तेहाद इत्तेफाक से रहना चाहिए, जब तक हम लोग इत्तेहाद इत्तेफाक में नहीं रहेंगे उस वक्त तक हम एक कौम और ये माशी बलात का हालात का जो है ना सामना, बुरे हालात का सामना करते रहेंगे। हमें सियासतदानों की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि एज ए कौम स्ट्रांग रहना चाहिए, और एज ए कौम जब तक हम एक साथ नहीं होंगे उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा 2023 अभी आ रहा है, इसके बारे में आपके कुछ ख्यालात हों या कुछ उम्मीदें आपने लगाई हों? इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2023 हमारा 2022 से बेहतर होगा, क्योंकि अच्छी उम्मीद के साथ ही हम लोग आगे रहते हैं।
अच्छा माशाल्लाह, अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं अभी जो साल गुजरा के बारे में भी, तो एक सवाल मैं आपसे अभी यहाँ पे करना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? कौन सा जानदार है ऐसा? दूध भी देता है और दूध भी देता है और अंडे भी देता है? ये व्हेल मछली? नहीं, व्हेल मछली दूध और अंडे दोनों नहीं देती। मेमल नहीं है? मेमल बिल्कुल है, लेकिन दूध और अंडे एक साथ नहीं देती। दोबारा सवाल पूछ लेता हूँ कि दूध भी देता है, ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? ये तो फिर सॉरी, इनको भी नहीं पता। जी नाजरीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना एक जुर्म है, और साथ उन्होंने एक चौकीदार भी खड़ा किया हुआ है, बल्कि दो चौकीदार खड़े किए हैं। आप देख सकते हैं, एक वो सामने ऊपर बैठा हुआ है और एक अभी पीछे चला गया है, और बहुत गुस्से में भी आके हमें देख रहे थे कि फूल वगैरह जो है हम तोड़ने की कोशिश किया, तो हमें कह रहे थे कि फूल नहीं तोड़ना आपने। तो इनको बोलूँगा कि भाई सर्दी भी आ गई है, कुछ स्वेटर स्वेटर पहन लो भाई, कुछ ठंड ठंड लग जाएगी। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, वरना तपेश भी करा देते हैं ये लोग। बस बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं और तो कुछ नहीं है। बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ये जो 2022 का साल गुजरा है कैसा गुजरा? बहुत बेकार। बहुत बेकार गुजरा? बेकार क्यों गुजरा भाई? ये दो नंबर दोस्त मिल गए थे, दो नंबर दोस्त मिले, इस वजह बेकार गुजरा आपका साल। अच्छा, अभी जो 2023 आ रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है आपको, क्या उम्मीद है आपकी, क्या गोल्स हैं? बस इनसे दोस्ती खत्म कर दिया, उम्मीद है कि अच्छी हो सकती है। अच्छा, दोस्ती खत्म करने की वजह क्या थी? ये दो नंबर दो नंबर मतलब किस लिहाज से? कोई ऐसी हरकत हो इनकी? बस हरकतें ना पूछो इनकी। ब्रेकअप वगैरह करवा देते हैं? ब्रेकअप वगैरह करा सियासतें करके? हाँ। अच्छा, समझदार भी बहुत लग रहे हैं आप हमें। ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है आपके दोस्तों के अलावा? उधर ही करने वाला, दूध भी देता है अंडे भी देता है। ऐसा कौन सा जानदार है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सांप? सांप तो ऐसा बढ़ने देता है। जी, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम यासिर अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट खैबर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा यासिर भाई, ये बताइए कि 2022 का जो साल गुजरा है वो कैसा गुजरा आपकी, क्यों कोई ऐसा कुछ लेसन जो आपने सीखा हो 2022 से? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2022 में बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। मैं एक एज़ अ फ्रीलांसर जॉब करता हूँ, और इससे पहले मैं एक प्रोफेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। तो 2022 में मैंने जून में फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बहुत सक्सेसफुल हूँ और खुश हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि एक सवाल मैं आपसे पूछूं, माशाल्लाह बहुत समझदार आप लग रहे हैं, तो ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? ये तो दुकानदार ही हो सकता है, दुकानदार। अच्छा जी, ये पहले हमें मिले हैं भाई जिन्होंने आंसर जो है वो गैस कर लिया है, और माशाल्लाह बहुत समझदार हैं भाई आप। और ये थे जी हमारा प्रोग्राम, आपसे मिलते हैं फिर अगली दफ़ा।